नॉर्थ कराची के इलाके शाहनवाज भुट्टो कॉलोनी में पैदल आने वाले डाकू ने पांच बहनों के इकलौते भाई को, बीवी, दो मासूम बच्चे और भांजी के सामने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। डाकू ने मुजम्मल नामी शहरी का पर्स छीनने की कोशिश की, इस दौरान पर्स गिर गया। मकतूल मुजम्मल पर्स उठाने लगा तो कातिल फायरिंग करके फरार हो गया। जख्मी मुजम्मल ने मौका पर ही दम तोड़ दिया। पुलिस के मुताबिक नॉर्थ कराची सेक्टर 2 शाहनवाज भुट्टो कॉलोनी में डकैती के दौरान मुजाहमत पर मुलजम की फायरिंग से जान बहक होने वाला मुजम्मल अपनी बीवी, भांजी और दो बच्चों के हमरा मोटरसाइकिल पर जा रहा था। वाकई में मुजम्मल के 4 साला और 6 साला बच्चे भी गिरने से जख्मी हो गए। पुलिस ने जाए वाकया का दौरा किया, शाहिद इकट्ठे किए और इतराफ में मौजूद सीसीटीवी कैमरों से वीडियोस हासिल कर ली हैं। मकतूल के अहले खाना ने हुकूमत से इंसाफ तलब करते हुए कातिल की जल्द गिरफ्तारी का मुतालबा किया है।